विद्यार्थी, देशी और विदेशी, विदेशी भी अभी हैं सर, चले गए, कोई बात नहीं। मैं दूसरी बार आया हूं यहां और पूरी तरह मैं ना भावुक हो जाता हूं, जिस तरह जिस प्यार के साथ और जिस प्यार के साथ प्रशंसा भरे शब्दों से मुझे यहाँ कहा जाता है, एक भावना आती है कि मैंने आगे भी पिछली बार भी कहा था कि मुझे बार बार जीवन में लगा कि जितना मैं डिजर्व नहीं करता उसे ज़्यादा मिलता है। और दूसरी चीज़ मुझे जो अगेन बार बार लगी कि दुनिया में अच्छे आदमी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी अच्छाई कम हो तो शायद ठीक रहे। जिनसे भी मिलते हैं वो अच्छा ही निकलता है। दूसरा ये कि मैं पिछली बार शायद जिक्र नहीं कर पाया या मैंने किया कि हिंदी में भी मेरा थोड़ा, पंजाबी में कहते हैं मुंह मारना, मतलब आप एक्सपर्ट नहीं हैं पर आप उसमें भी थोड़ा करछी चलाते हैं। तो ये बात शायद 77-78 की है कि मुझे एक बार पटियाला यूनिवर्सिटी ने एक हिंदी और पंजाबी में एक विश्वकोश बनाया भाषा और व्याकरण का, और मुझे कहा कुछ लिखने की, उनकी जो एंट्रीज होती हैं पाणिनि पर, अष्टाध्यायी पर अलग अलग, पतंजलि पर, महाभाष्य पर अलग अलग, भद्रीहरि पर, क्योंकि तब तक थोड़ा सा मुझे लोग जानने लग गए थे कि मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारतीय व्याकरण परंपरा और भारतीय दर्शन परंपरा और भारतीय जो क्या कहते हैं काव्य परंपरा, काव्य शास्त्र परंपरा, तो मैंने 75 में शुरू किया था अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मूल रूप से मैं अंग्रेजी में ही प्रोफेसर अपॉइंट हुआ था और रहा भी हूँ, अब भी हूँ, कुछ चीज़ें मैं अंग्रेजी की रिटायर होने तक पढ़ाता रहा जो मुझे अच्छी लगती हैं, और साथ साथ अपने देश के ज्ञान परंपरा और अपने देश की संस्कृति के कुछ कई कोर्स विकसित किए, जैसे बच्चों के कहने पे, स्टूडेंट्स के कहने पे मैंने आखिर के वर्षों में कुछ ग्रंथों पे कोर्स, एक एक ग्रंथ पे एक कोर्स सेमेस्टर का दिया, जैसे एक कोर्स अष्टाध्यायी पे, एक कोर्स वाक्यपदी पे, एक नाट्य शास्त्र पे और एक योग सूत्र पे। तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा पटियाला वालों ने कि यदि आप लिखिए, तो मैंने हिंदी में लिखा। शायद ये मेरी अपनी ही अक्षमता थी, मेरी ही कमी थी कि मुझे लगा कि हिंदी में टेक्निकल स्टाइल बड़ा मुश्किल है, आप सीरियस बात भी करते हैं तो वो हंसी सी आने लग जाती है लोगों को, ये पता नहीं मुझे लगा, क्योंकि हमारा जो लिखने का है उसमें एक पूरा जिसको कहते हैं ना राइट ब्रांचिंग है, मतलब कि सब कुछ पहले देखे, जैसे पाणिनि शालातुर में पैदा हुए, वो वाहदीक थे और ऐसे करके आखिर तक आना, तो उससे ढीला पड़ जाता है, भाषा ढीली पड़ जाती है। तो बड़ा यत्न करके हमने ये लगा कि थोड़ा संस्कृत से सीखना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत में इस तरह का कई सदियों में डेवलप हुआ, बहुत पावरफुल टेक्निकल स्टाइल है संस्कृत, सूक्ष्म। कभी आप कोई अंग्रेजी का एक पैराग्राफ संस्कृत में डालिए तो आप शब्द गिनिए, वर्ण गिनिए, तो संस्कृत में बहुत कम होंगे। तो ये उसका एक खींची हुई भाषा लिखने के लिए, इसे संस्कृत कहते हैं। संस्कृत का अर्थ
नाम नहीं है भाषा, भाषा का नाम तो पांचवीं शताब्दी में दिया गया। पाणिनि ने कभी भी संस्कृत नहीं कहा, उसने कहा मैं व्याकरण लिख रहा हूं भाषा का तथा छंदस का, मतलब स्पोकन लैंग्वेज का और कंपोजिशनल लैंग्वेज का, लिखने वाली भाषा। तो इस अनुसार अंग्रेजी भी एक प्राकृत अंग्रेजी है जो लंदन में लोग बोलते थे, और एक संस्कृत अंग्रेजी है जो टीएस एलियट ने लिखी, उसी में से लिखी, पर उसने जो लिखी अंग्रेजी वो लोग नहीं बोलते, बोलते भी नहीं। ये ना समझने के कारण लोग कहने लग गए कि संस्कृत तो बोली नहीं जाती थी, इसी कारण से, वो अलग बात है। तो भाषा और उसमें तो संस्कृत जो एक विधा है लिखने की, संस्कृत विधा, वो हिंदी में मुझे लगा नहीं नहीं है, या मैंने ठीक पढ़ी नहीं। बाद में मैंने जैसे थोड़े लोग पढ़े तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ही कम पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे लगता है, या मुझे अभ्यास नहीं है। तो बजाय ये कहने के कि पाणिनि शालातुर में ये वो, तो उसको अगर आप एडजेक्टाइबल कर दें, शालातुरीय शालातुरीय वहालीक वहालीक भाषाविद पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी, तो वो थोड़ा टाइट होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार सोचते हैं, सोच सकते हैं, सोचना भी चाहिए। मुझे कईयों ने पूछा भी कि आप तो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, आप वारदा में क्या है। हमने कहा ऐसे ही हैं, गेस्ट हैं। तो दूसरी बात, फिर मैंने 2011 में, 2007 में मैं बिरला फाउंडेशन का फेलो बना एक साल के लिए। वो नॉमिनेट होता है, अप्लाई करने से नहीं मिलता है, उस जमाने में नहीं मिलता था, नॉमिनेट करते थे, और एक साल के लिए फेलोशिप होता था, और आपको एक पुस्तक लिखनी होती थी। प्रसाद नमस्ते, रागीश जी नमस्कार, सो ग्लैड टू सी यू सर। आइए आइए बैठिए। तो उसमें ये था कि आपको एक भारतीय भाषा में एक पुस्तक लिखनी होती थी, भारतीय भाषा में, और तुलनात्मक साहित्य के ऊपर, जिसमें आप बहुत एक से ज़्यादा भारतीय भाषा को लेके। तो मैंने एक पुस्तक, पहले तो मैं एक साल नहीं लिख पाया, दूसरे साल भी नहीं लिख पाया। तो मैं उनके डायरेक्टर साहब को कहा जाके कि सर अभी लिख नहीं पाया, तो बोले नहीं ऐसे बहुत हो चुका है, बड़े बड़े लोग भी नहीं लिख पाते, फिर वो पैसे वापस कर देते हैं। तो हमने कहा पैसे तो हम वापस कर सकते हैं, और उसमें एक हार है ना, आप हार गए तो वो हमें सूट नहीं करता, हम लिखेंगे, आप हमको 7 महीने और देंगे। तो फिर हमने 8 महीने बैठे कुएं में जाके, कुएं में बैठे समझते हैं, उठना ही नहीं, निकलना ही नहीं, लगे हुए। तो कुएं में बैठे और हमने एक पुस्तक हिंदी में लिखी, जो मैंने सर को बताई थी एक बार, रति भक्ति भारत की कथा परंपरा में, वो मेरी किताब 2011 में छपी, रति भक्ति भारत की कथा परंपरा में। ये मैंने इसलिए कहा कि अभी कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली में किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, उनको ऐसे लगा कि अंग्रेजी के सिवाय हम कोई भाषा ही नहीं बोलते या समझते, जो कि काफी हिंदुस्तानियों का है, उनको अंग्रेजी ज्यादा समझ आती है, अपनी भाषा कम समझ आती है। ये पहली बात ऐसी, अब पहली बात है कि कितना टाइम आप देंगे कि मैं बोलूं और आप बोर होना शुरू ना हो जाए, वो भी बता दीजिएगा बीच में कुछ इंडिकेशन, बिजली ही बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। थोड़े समय के लिए बिजली बंद कर दीजिएगा। तो ये आम बातें हैं कि विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय की जो संकल्पना है उसमें वो बहु विषय होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विषय होते हैं, एक विषय नहीं होता। विश्वविद्यालय में विषयों का समूह होता है, और उसके पीछे है कि एक पूरा समग्र चिंतन का विकास, समग्र ज्ञान का विकास विश्वविद्यालय।
ऐसे में एक विषय को लेके विश्वविद्यालय बनाना उसका क्या प्रयोजन हो सकता है कि भाई आपने एक, और वो भी भाषा का विश्वविद्यालय, एक भाषा का विश्वविद्यालय बनाना, तो उसका क्या, कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं? हमें लगता है कि मेरे ख्याल में तमिल में भी है, पर काफी भाषाओं में नहीं है। हिंदी में दो है, एक ये है, एक उज्जैन में है, हिंदी विश्वविद्यालय, हाँ भोपाल में, सॉरी भोपाल में, और उर्दू विश्वविद्यालय। लोग कोई हिंदी तो वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है ना, आई कॉल इट अशोक अकबर कॉम्प्लेक्स, कि अगर आपने अशोक का नाम लिया तो अकबर का नाम, अकबर का नाम लिया तो अशोक का नाम, इसलिए हिंदी बना तो उर्दू, उर्दू बनेगा तो हिंदी बनना चाहिए साथ ही, तभी एक किस्म का वो जो कॉस्मिक बैलेंस रहता है। तो तीन चार भाषा के, किसी और विषय में विश्वविद्यालय एक विषय का क्यों नहीं बनता? फिजिक्स की यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटी, ये सोचने वाली बात है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, एटॉमिक एनर्जी केंद्र, सेंटर, परंतु विश्वविद्यालय नहीं बनते, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक विरोधाभास है कि आप विश्वविद्यालय एक विषय के लिए बने, तो उसका सार्थकता कैसे होगी? उसकी सार्थकता कैसे होगी कि जितने दूसरे विषय हैं या दूसरे विश्व के, जो विश्व का जो ज्ञान है वो उस भाषा के द्वारा अपने लोगों को पहुंचाया जाए, क्योंकि आपने एमएससी फिजिक्स करनी है, आईआईटी से आपने एमटेक करनी है, तो अंग्रेजी में करनी चाहिए। हिंदुस्तान में एक पिरामिड है, कई चीजों में, न्याय में, शिक्षा में और एडमिनिस्ट्रेशन में। नीचे स्तर पे तो बोलियां, जिनको हम कहते हैं, बोलियों में भी काम चल जाता है। मास्टर जी स्कूल में पढ़ाते थे हमें, वही की बोली बोलते थे। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो जो उस राज्य की भाषा होती है उसमें होता है, राज्य की भाषा। और राज्य की भाषा का भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी में, खासकर राजस्थान में, राज्य की भाषा कहते तो हिंदी थे, अब वो राजस्थानी कहते हैं, हम राजस्थानी है भाई, हाँ है हिंदी, परंतु भोजपुरी और फिर ब्रज, और फिर कोई कहता है कि ये भाषा, मतलब क्योंकि भाषा से आजकल राज्य बन जाता है, और राज्य बनने से वो भाषा बोलने वाला एक गवर्नर बन जाता है, एक चीफ मिनिस्टर बन जाता है, कुछ एमएलए बन जाते हैं, आवास मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है। तो ये जो भाषा की राजनीति से हमने भाषाओं को भी बांट दिया, कई जगहों में, कई हिस्सों में बांट दिया। नहीं तो अगर आप इधर से राजस्थान से चलें और बिहार के अंत तक जाएं, तो जिसको वो तो कहते हैं ना, आपसी समझ भाषा की, म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी, कहीं भी नहीं टूटती। आप चलते जाइए, आप नाम कोई और देते जाइए, पर लोग एक दूसरे को समझते जाते हैं, तो एक लेवल पे वो एक ही भाषा रहती है। परंतु पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और बाकी कार्य प्रणाली के लिए, व्यापार के लिए, कार्य व्यापार के लिए, सिर्फ व्यापार नहीं, कार्य व्यापार के लिए आपको उनमें से एक किसी रूप को मान के, मानक नहीं, मानक कोई भी ऐसा नहीं, आप कह सकते कि भोजपुरी मानक है। अब अवधी लोग, आजकल मुलायम सिंह जी ने बड़ी राजनीति जबरदस्त कर दी, तो वो भाषा उनकी भाषा मानक हो गई। तो भाषा मानक हो जाती है या तो व्यापार से, या फौजी ताकत से, या राजनीतिक ताकत से, तो मानक नहीं, माने मान के उसके आधार, वही हम पढ़ाते हैं, फिर वही भाषा का रूप पढ़ाते हैं। तो उसके माध्यम से
दूसरे विषयों का ज्ञान और विश्व के ज्ञान को अपने लोगों तक पहुंचाना। ये मेरे ख्याल में एक भाषा का अगर विश्वविद्यालय बनता है तो ये करना जरूरी है या ऐसा होना चाहिए। जरूरी कुछ भी नहीं होता, हो तो अच्छा है, ना हो तब भी अच्छा है। हिंदुस्तान का तो दर्शन ऐसा है, खासकर पंजाब का, कि हो गया ये काम, हो गया फिर क्या हुआ है? ये काम नहीं होगा तो क्या है ना। पंजाब का दर्शन जो है जिससे जीवन बड़ा सुखी रहता है, पर हो जाए ये चीज तो विश्वविद्यालय सार्थक हो जाता है। एक बात, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक और कॉम्प्लिकेशन आ गया। अंतरराष्ट्रीय, अपना राष्ट्र ही नहीं अंतरराष्ट्रीय। अब आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले अफगानिस्तान तो हमारी राष्ट्र का भाग था, अब वो अंतरराष्ट्रीय हो गया। पाकिस्तान हमारा भाग था, अब वो अंतरराष्ट्रीय हो गया। जैसे जैसे बाउंड्रीज ड्रॉ की गई तो अंतरराष्ट्रीय की परिभाषा बदलती गई, ठीक है ना। अब आप बलोची पढ़ाएंगे अगर, या पश्तो पढ़ाएंगे यहाँ, तो आप अंतरराष्ट्रीय कार्य करेंगे। और आगे अगर आप व्यापारी हैं और आपको ड्राई फ्रूट्स लेने जाना है तो आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं बोल रहे, पश्तो बोल रहे। पश्तो तो एक अपनी इंडो एरियन लैंग्वेज ही है, उसमें थोड़ा सा वहाँ जाके 10 दिन रहिए, आपको समझ आ जाएगी। तो ये थोड़ा समझ के कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय, आजकल हम जब इंटरनेशनल की बात करते हैं कई सालों से, तो हमारे दिमाग में इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड होता है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप भी कम ध्यान में आता है। वो म्यूजिक का आता है तो चलो जर्मनी चले जाएंगे, नहीं इस तरह। बाकी अंतर्राष्ट्रीय की समझ मेरे ख्याल में हमारे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को अपनी थोड़ी नज़र जो है उधर से हटा के जरा आसपास करनी है। ये ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है कि हम लोग जिसे दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं और जिसे किसी जमाने में बृहत्तर भारत कहा जाता था, उन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करें, उनकी भाषाओं को यहाँ लाएं, अपने उनके विद्यार्थियों को यहाँ लाएं, चाहे हमें खर्चा करना पड़े, क्योंकि इंग्लैंड अमेरिका की बजाय वो बेचारे इतने धनाढ्य नहीं हैं उनके बच्चे, ना वो बहुत ज़्यादा किराया खर्च सकते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी को उनको लाना चाहिए। जितने ये जो मेकोंग नदी के मुल्क हैं, मेकोंग नदी जो है वो है माई मदर गंगा, उसका अर्थ है मेकोंग का, माई मदर गंगा। इवन जो नदी चीन और कोरिया, बहती हुई कोरिया से समुद्र में गिरती है, उसका नाम है हान गंगा, बहुत कम लोग जानते हैं हान गंगा। तो गंगा, यू नो, फ्रॉम वोल्गा टू गंगा, जब एचजी वेल्स ने कहा, तो एक पूरा विश्व का चित्र है उसमें, पर इस एक भाग का, एशिया का। तो हमें अगर अपने देश की भी ज्यादा सेवा करेंगे हम, अब आने वाले समय के लिए अपने देश की, अपनी संस्कृति की भी ज्यादा सेवा करेंगे, अगर हम मेकोंग नदी के मुल्क जो है लाओ, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम, आप जानते हैं कि वियतनाम में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, लाओ में अभी भी शिव मंदिर बहुत है, चीन में शिव मंदिर है पुराने, पर संस्कृति एक नहीं। मैं मंदिरों का ये नहीं कह रहा कि अब हिंदू है इसलिए हमें जाना चाहिए, पर हमारी संस्कृति, स्कल्पचर हैं, जितनी स्थापत्य कला है वहाँ की, उस पर हमारे देश से संबंध है। और बड़े भाई बन के नहीं जाना चाहिए जैसे कि अंग्रेज लोग आते रहे, भाई बन के जाना चाहिए उनके पास,
हमें भी उनका सीखना चाहिए, उनकी भाषाएं सीखनी चाहिए या उनकी भाषाओं को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय की परिभाषा थोड़ी समझ के। जैसे पश्तो है, देखिए जितनी भी राजनीति होती रही इस भूखंड में, अब पाकिस्तानी पंजाबी और हमारे पंजाबी भाई हैं, पर भाइयों की लड़ाई ज़्यादा होती है। कौरव पांडव का इतिहास बहुत ज़्यादा है, पुराना है, यहाँ वो ज़्यादा लड़ते हैं आपस में, पर अफगान लोग इतना नहीं लड़ते यहाँ के लोगों के साथ। ये पता नहीं क्या कारण है, बहुत कम होता है, पर हम लोग उन लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, भाषा नहीं आती। जब विदेश मंत्रालय को कोई अलकायदा या उसकी कोई मैसेज को समझना पड़ता है तो वो कहते भैया पश्तो वाला कोई ढूंढो, ये करना पड़ता है। तो थोड़ा एक तो अंतर्राष्ट्रीय पे ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा दायित्व तो बढ़ जाता है जब हम पहले विश्वविद्यालय कहते हैं हिंदी का, फिर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो क्या क्या काम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता सर, एक तो मैं वैसे ही बूढ़ा हूँ, थक जाता हूँ, लगता नहीं हो, मेरी कसूर है मेरा, मैं 75 साल का लग, कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आप लगते नहीं 75 साल के, तो मैं कहता हूँ मैं माफ़ी मांगता हूँ सर कि लगते नहीं है, तो वो तो कुछ भगवान की कृपा, कुछ माँ बाप की कृपा उस कारण से। बड़े बड़े शब्द छोड़ दें हम, कहाँ विश्व गुरु बनेंगे, कहाँ विश्व गुरु बनेंगे, अभी हम अपने गुरु नहीं हैं, किसी समय में थे, पर बहुत दुर्दशा है हमारी, अब बहुत दुर्दशा है। मतलब हम लोग हनुमान कॉम्प्लेक्स से, सिंड्रम से सफर करते हैं। हनुमान जी का सिंड्रम याद है आपको, जब वो लंका जाना था तो बोले भैया कौन जाएगा। अब हिंदुस्तान में अगर आप किसी को वॉलंटियर करने के लिए कहो, कोई हाथ खड़ा नहीं करता, क्योंकि कौन करेगा, जापानी चीनी होते सारे जो हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई वहां जाना है, मर जाओगे, कौन जाएगा। तो सब इधर उधर देखते हैं, हमारे यहाँ उधर सारे हाथ खड़ा करते हैं। ये अब आजकल, ये आज से 1000 साल पहले, 900 साल पहले ऐसा नहीं था। तो हनुमान जी भी नहीं, कुछ नहीं, पीछे बैठे, जैसे हमारे जैसे लोग ज़्यादा पीछे ही बैठते हैं, क्योंकि जरा मास्टर जी उधर देखेंगे तो उठ के बाहर चले जाएंगे। तो उनको फिर जामवंत ने कहा, जामवंत ने कहा तुम भूल गए हो कि तुम्हारे में शक्ति कितनी है। वो आपको पता है कथा कि वो छोटे थे तो ऋषियों को उठा के कमंडल समेत नदी में फेंक देते थे, तो ऋषियों ने उनको श्राप दिया। श्राप होता है वो जिसकी काट नहीं होती, श्राप उसे कहते हैं। क्यों पंडित जी, आपसे पूछ रहा हूँ ना, जिसकी काट नहीं होती वो श्राप है। तो काट है नहीं तो वो बैठे अपना, फिर अपना आम आदमी कहाँ, तो वो सूर्य खाने दौड़ते थे, फिर बेचारे रोने लगते थे माँ से कि कुछ दे दो खाने को, भूले। तो जामवंत जी ने कहा, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आजकल मैं कोट करता हूँ अपने परिप्रेक्ष्य, जामवंत जी ने कहा देखिए जब हम जवान होते थे ना तो 3 बार आते जाते थे, अब आदमी की बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने पूछा नहीं क्यों जाते थे भाई 3 बार जब जवान थे तो 3 बार क्यों जाते थे लंका, तो ये 3 बार आते जाते थे, अब बूढ़े हो गए हैं, चले तो अब भी जाएंगे पर आया नहीं जाएगा, वो अभिमन्यु का प्रॉब्लम, अभिमन्यु का प्रॉब्लम, तो आया नहीं जाएगा। तो फिर हनुमान जी खड़े हो गए और बड़े हो गए। हम लोग उससे ग्रस्त हैं, अपने देश की जो हमारी असली शक्ति है, हमारी शक्ति 2 चीज़ों में है। एक, हम, हमारी ही एक ऐसी जीवन दृष्टि है या दर्शन है जिसमें हम दूसरे के ऊपर राज करना नहीं चाहते, हम अपने ऊपर राज करना चाहते हैं। और अगर हम ज्ञान
कोई ज्ञान अर्जन करता है तो वेस्ट में है, नॉलेज इज पावर है ना, और हमारे यहाँ नॉलेज इज ए प्यूरिफायर, प्यूरिफायर है ना, गीता में है नथिंग प्यूरिफाइज लाइक नॉलेज, नॉलेज इज पावर, पावर जेनेसिस से चली आ रही है, पावर टू बी एक्सरसाइज ओवर अदर्स, फिश ऑफ द वॉटर, फाउल ऑफ द एयर आर फॉर यू टू एंजॉय, एक्सरसाइज डोमिनियन ओवर देम, जेनेसिस में तो पावर। तो ज्ञान, डेकार्ट ने 16वीं शताब्दी में कहा कि ज्ञान का प्रयोजन प्रकृति को झुका के आदमी के हित को बढ़ाना है, प्रकृति को झुका के, इतना झुका दिया कि अब इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सेंटर खोलने पड़े, पहले पेड़ काट दो फिर तरीके निकालो पेड़ों को कैसे लगाया जाए, है ना, ये वो करते हैं। हम लोग अंधविश्वासी हैं, हमें कहते कहते हैं वो लोग अंधविश्वासी हैं, हमारा अंधविश्वास क्या है कि वो जो भी करते हैं ठीक करते हैं, हम जो करते हैं गलत करते हैं तो जो वो करते हैं हमें भी करना चाहिए, हमने भी पेड़ काटने शुरू कर दिए, कृषि भूमि के ऊपर मकान बनाने शुरू कर दिए, और जिसकी हमें आवश्यकता नहीं उस इंडस्ट्री को लगाना शुरू कर दिया, आपका लोग इंडस्ट्री लगाते हैं इसलिए कि बाद में भोजन आ जाए खाने को, उनके पास तो भोजन नहीं था, हमारे पास भोजन है, उधर ध्यान नहीं देते, हम भी लगे हुए कारखाने खोलो बड़े बड़े सेल्स बनाओ। मुझे ममता जी बैनर्जी एक काम के लिए बड़ी अच्छी लगी, जब उन्होंने बंगाल में सेल्स नहीं बनने दिया, क्योंकि वो बोली जो 2 एकड़ का भी मालिक किसान है ना वो मालिक है, जब आपकी फैक्ट्री में 1000 रुपए भी लेगा तो वो गुलाम हो जाएगा, नौकर हो जाएगा, नहीं करना है कृषि भूमि को नहीं करना। तो ये हम क्योंकि अंधविश्वासी लोग, समझे मेरी डेफिनेशन अंधविश्वास की, वो तो कहते हैं आप अंधविश्वासी हैं पत्थरों की पूजा करते हैं, ना ना वो नहीं अंधविश्वास, वो बड़ी डीप विजडम है। अंधविश्वास ये है कि वो जो करते हैं ठीक करते हैं, हम जो करते हैं गलत करते हैं, ये अंधविश्वास। तो हम भूले बैठे हैं, तो हमें अगर अपना थोड़ा इसमें आएगा, हमारे दायित्व में ही आएगा ये पुनर्जागरण, जैसे जागृति सादी भाषा में, अपनी भाषा में। तो मैं आपको कंक्लूड करूंगा, अभी मैं मेरे पास मैंने कोई 7-8 चीजें लिखी हुई हैं जो मैं सोचता हूं कि ये विश्वविद्यालय कर सकता है, हो सकता है कर भी रहा हो, देखिए मैं जानता नहीं पूरी तरह से, इसलिए 7-8 चीजें मैं सोचता हूं हम कर सकते हैं। पहला तो हिंदी भाषा और साहित्य को दुनिया में फैलाना, हिंदी भाषा और साहित्य को, वो कहने से नहीं फैलेगी, आपको कोई साधन बनाना पड़ेगा कि आप उसको सीखना, उसको सीखना सुलभ कराएं, ये जरूरी नहीं कि वो बेचारे किराया खर्च के यहाँ आए, आपकी फीस पे करें, आपके अच्छे बुरे हॉस्टल में रह के पानी पिए फिर हिंदी सीखेंगे, साधन ठीक साधन। तो हाँ, अगर आप बेचारे जो मैं कह रहा हूँ मेकोंग नदी वालों लोगों को बुलाएंगे, वो तो बेचारे जैसे रखोगे रख लेंगे, वो ज़्यादा साधु ही होते हैं, और देखो वो ज़्यादा गेरुआ पहनते हैं, वो तो रह लेंगे पर अंग्रेज नहीं रहेगा, वो नहीं रह सकता, उनको भी सिखाना है, सिर्फ इनको नहीं सिखाना। वो तो मैंने इसलिए कहा कि हमारा ध्यान थोड़ा उधर केंद्रित होना चाहिए, उधर केंद्रित होना चाहिए। और हिंदी भाषा और साहित्य को कुलपति जी बताएंगे कैसे करना है। दूसरा, अगर हमको, हम ये चाहते हैं के विदेश के छात्र यहाँ आए, या हमारे छात्र विदेश जाएं, तो
तो हमको उनको एक से अधिक भाषा में सक्षम बनाना पड़ेगा। मेरी बात ठीक है ना, कि आपको जिसे कहते हैं बाइलेटरल ट्राइलेटरल कॉम्पिटेंस, आपको जैसे आप चाहते हैं कि जर्मनी से छात्र हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो जर्मन जानते हैं, तभी तो वो आएंगे। तो आपको हिंदी जर्मन दोनों जानने वाले लोग तैयार करने हैं। ये लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, कौन सी भाषाएं हैं विदेशी जो के हम अपने हिंदी एमए करता है जो करता है उसमें हम इंट्रोड्यूस करें कंपोनेंट कि वो साथ में ये भी सीखेंगे। फिर जो विदेश से आएगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो मूक भाषा में बात नहीं करेगा क्योंकि भाषा तो समझ नहीं आ रही, जैसे हम करते हैं बाहर जाके। मुलायम सिंह जी गए वहां पेरिस जब पावर में थे, अमर सिंह और मुलायम सिंह, उन्होंने खुद सुनाया सर, बोले हम जाके होटल में रात को 10:30 बजे पहुंचे, हम अंग्रेजी में बोले, उनको समझ ही ना आए। आधा घंटा हम कोशिश करते रहे, हाथ भी चला लिए, समझ ना आए। फिर उन्होंने कहा सोफे की तरफ कि बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। फिर उन्होंने कोई आदमी बाहर भेजे, तो वो किसी को सड़क से पकड़ के लाए जिससे थोड़ी अंग्रेजी आती है, उन्होंने फिर उनको समझाया, उन्होंने उनको फिर फ्रेंच में ही समझाया, फिर उन्होंने हमको अंग्रेजी में समझाया। और हम हैं बोले मुलायम सिंह जी कि अंग्रेजी ढोए जाते हैं, तो हमको थोड़ा बाइलेटरल ट्राइलेटरल देखिए कोर्स में इंट्रोड्यूस करना। अगर आप कहें हम अच्छा जी एक डिप्लोमा शुरू कर देंगे, सर्टिफिकेट जर्मन में शुरू कर देंगे और वो एड ऑन कोर्स की तरह बच्चे करेंगे, तो वो नहीं होगा। आपको एक लिस्ट बना के थोड़ा सा डायरेक्शन कि भाई हम ये भाषाएं, आपको दो विदेशी भाषाएं पढ़नी है एमए हिंदी में, ये लिस्ट है भाषाओं की, कौन सी लेंगे आप। परंतु आपको टीचर अपॉइंट करने पड़े, और अगर आप इस तरह विजन बना के देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस तरह के मीनिंगफुल प्रोग्राम हिंदुस्तान में बनाता नहीं कोई, बनते नहीं है, वही अंधविश्वास ढर्रा, वही सब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर, वही इतने कोर्स, 16 होते हैं जी, 4 सेमेस्टर 16 कोर्स, 20 क्यों नहीं हो सकते, व्हाट इज द प्रॉब्लम। जेएनयू में हम लोगों ने फ्रीडम दी थी स्टूडेंट्स को, 16 तो करना ही है, आप 20 तक कर सकते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट होते थे वो 20 करते, उसमें हम उनको चॉइस देते थे, आप अपने क्रेडिट गिनवाना चाहेंगे कि नहीं, या कौन से 16 के क्रेडिट गिनवाना चाहेंगे। तो ये सिस्टम बनता है, बन जाएगा। एक बार कॉम्पिटेंस क्यों, क्या प्रयोजन है इसका, इंटरनेशनलाइज, आजकल पूरा चर्चा चल रही है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब वो भी आए हम भी जाएं, वो कैसे होगा जब तक भाषा में सक्षमता नहीं होगी, भाषा क्षमता चाहिए। तीसरी बात, हमें हिंदी के ज्ञान ग्रंथ, ये मत कहिए है नहीं, है रामचरितमानस ज्ञान ग्रंथ है, बहुत बड़ा ज्ञान ग्रंथ, और भी मिलेंगे। अब जैसे रामविलास शर्मा जी ने बड़ा अच्छा लिखा, कुछ ऐसे तरीके लोगों ने लिखा, आपने लिखा, ऐसे साहित्य को, ज्ञान ग्रंथों को दूसरी भाषाओं में अनुवाद करना चाहिए, ट्रांसलेशन, पर साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन भी करना चाहिए। साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन 10 रुपये पेज वाला 5 रुपये पेज वाला वो धंधा है। एक आपको याद हो कि नाम सुना होगा गंगानाथ झा, अमरनाथ झा, उनका नाम था महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झा। देखिए साहब, संस्कृत में उनको महामहोपाध्याय और अंग्रेजी में सर नाइटहुड। उन्होंने कुमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक दो ग्रंथ,
25 साल लगा के ट्रांसलेट किए, 25 साल। और वो आप मतलब पढ़िए, आप विदेश में पढ़े जाते हैं, इतना उसकी बहुत गया। अनुवाद करने के लिए कहा जाता है आपको दो भाषाओं में क्षमता चाहिए, ना आपको ज्ञान में क्षमता चाहिए। जिस विषय का आप अनुवाद कर रहे हो, अगर आपको वो विषय ही नहीं आता, कम आता है, तो क्या अनुवाद करेंगे? ज्ञान, ज्ञान तो केंद्र में रहेगा हर किस्म की कार्यकलाप में। तो इसका क्या है, देखिए अनुवाद की भी राजनीति भी होती है, अनुवाद का दर्शन भी होता है। कुछ ग्रंथ आप ऐसे अनुवाद करेंगे जिनको शायद कोई नहीं पढ़ेगा, पर आपको उनको करके अवेलेबल करना है, एक दर्शन है, क्योंकि वो आपकी संस्कृति, आपके देश का मुख्य ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है ना जी, वो करना पड़ेगा, ये दर्शन है। आप अगर सिर्फ दूसरों के ही अनुवाद करके पढ़ते रहेंगे तो आपका दर्शन क्या है कि हम तो कुछ नहीं, सारा ज्ञान वहां से आता है। आपको अपना भी ज्ञान बांटना है, तो ये इनटू एंड फ्रॉम हिंदी। और काफी नजर हमारी भारतीय भाषाओं पर रहनी चाहिए। सब लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि शायद इससे कुछ पैसा वैसा बनेगा, बाद में बिकेगी, तारीफ करेंगे अंग्रेज लोग। ज्यादा थोड़ा नजदीक देखने का बहुत जरूरी है कि भारत की भाषाओं का साहित्य एक दूसरे की भाषा में मिले लोगों को, ये एक तीसरी बात। चौथी बात, परेशान तो नहीं हो गए? चौथी बात, मेरा एक बड़ा पुराना विचार है जो कई जगह मैंने बोला, कोई मानता नहीं। वो प्लेटो ने कहा था ना सर कि सियाने लोग तो एक ही बात करते रहे हैं, और ज्यादा लोग जो वो होते हैं वो हमेशा उलट करते रहे, सम आर वाइज द रेस्ट आर अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज। यू कैन डिवाइड द एंटायर मैनकाइंड इनटू वाइज एंड अदरवाइज, तो वो होता रहता है। आपके लिए एक तो पहली बात ये, संस्कृत को आप ना हिंदुओं की भाषा मानिए ना किसी संप्रदाय की। आपका क्या ख्याल है कि पाणिनि जो वालिक था वो क्या मेरा दादा परदादा था कपिल कपूर का, कि मैं को वो तो मेरा आदमी था, वो तो था ही एक अद्भुत आदमी, अलौकिक, वो तो कुछ और ही चीज था। तो जो ग्रंथों की, ज्ञान ग्रंथों की रचना इस देश की भूमि पर हुई है, वो इस देश के सब लोगों की धरोहर, किसी का अधिकार नहीं बनता उस पे, और ना ही किसी को कहना चाहिए कि ये तो मेरा नहीं है, ये भी नहीं कहना चाहिए, वो ऑप्टिंग आउट भी नहीं होनी चाहिए और ओनरशिप भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है ओनरशिप का। अब संस्कृत ज्ञान पर एक पंडित जी ने कहा था, मैंने शायद पिछली बार भी वो मैं लाइन हमेशा बोलता हूं, भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह, पुराने समय से अब तक चली आ रही। उसमें कुछ जैसे दर्शन है, छह दर्शन है, फिर जैनियों का तत्वार सूत्र है, बौद्धों का प्रमाण वार्तिक, जयंत भट्ट की जयंत भट्ट का वो प्रमाण मंजरी क्या है सर, न्याय मंजरी है। अब ये कुछ ग्रंथ हैं, बड़े छोटे ग्रंथ हैं, क्योंकि ये स्मृति आधारित ग्रंथ होते हैं, आपको याद करना होता है, उसका बहुत बड़ा लाभ है। यानी वो अब छोड़ दिया हमने, अब उसको हमने रट्टाफिकेशन कह दिया। तो छह शास्त्र संस्कृत के जो हैं, आप 2 घंटे में पढ़ सकते हैं, आपको वे हिंदी में मिल जाए, समझ सारा जीवन नहीं आएंगे, पर पढ़ 2 घंटे में लेंगे। बच्चों को पूछो ना कि हैव यू रेड दिस बुक, यस सर आई हैव फिनिश्ड इट, अरे भैया फिनिश नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, उसमें बड़ा भेद होता है, यस सर आई हैव फिनिश्ड इट। तो मेरा एक सुझाव है सर कि आप कुछ इस तरह के जो मूल ग्रंथ हैं,
भूले ये संस्कृत है वो हिंदुओं की भाषा के मुसलमानों की भाषा के कौन सी भाषा, हिंदी उर्दू का भी झगड़ा इसीलिए लोग करते हैं। अब जो हिंदी फिल्मों में भाषा है वो ना तो हिंदी है ना उर्दू है, वो तो कोई और ही भाषा है। तो इन चीजों को लेके नहीं पढ़ना है आप, ज्ञान जो ज्ञान है ना उसका ना धर्म होता है, ना उसकी भाषा होती है, ना उसकी जाति होती है, कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता। आपको डिसएग्री करना है आप आइडिया से डिसएग्री करिए। अब प्लेटो सब पढ़ते हैं भूल जाते हैं कि उसने तो ग्रीक भाषा में लिखा था, कोई कहता कि ये तो ग्रीक भाषा में लिखा था या वो पेगन था। क्रिश्चियंस भी पढ़ते हैं उसे और वो तो पेगन था। तो आइडियाज का, विचारों का नहीं होता, धर्म संस्कृति जाति पाति नहीं होती। तो उसको लेके मूल ग्रंथों को आप स्क्रिप्ट वेरिएंट्स पर बनाइए, सिर्फ स्क्रिप्ट वेरिएंट, ट्रांसलेट नहीं करिए। अब जैसे मीमांसा सूत्र है देवनागरी में, उसे अरेबिक पर्शियन अरेबो परसो अरेबिक स्क्रिप्ट में डाल दीजिए, उसी सिर्फ स्क्रिप्ट में, गुजराती स्क्रिप्ट में डाल दीजिए, मराठी में डाल दीजिए, तमिल में डाल दीजिए, आप हैरान होंगे कि कितनी सडनली रीडरशिप बढ़ जाएगी, लोग पढ़ने लग जाएंगे लार्ज नंबर। और उससे एक जिज्ञासा पैदा होगी, जिनको थोड़ा भी समझ आएगा या वो कुछ समझने की कोशिश करेगा, ताकि बाद में लोग और इसी तरह, इस तरह हमारे देश के लोग अपने ज्ञान से जुड़ेंगे। स्क्रिप्ट वेरिएंट्स लिस्ट बनाइए प्रायोरिटी के बेसिस पे, कि पहले साल ये तीन करेंगे। कि आजकल बड़ा सिंपल है, सी डैक की सॉफ्टवेयर आती है, बटन दबाने से स्क्रिप्ट बदल जाती है, 70% ठीक होती है, 30% के लिए आप एक दो एक्सपर्ट बैठा के उसको ठीक करके, एक एक दर्शन 8-8 आने में बिकेगा। उसकी कीमत 8 आने भी नहीं पड़नी, नॉट इवन 50 पैसा। स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा हिंदी में उसका या 4-5 भारतीय भाषाओं में इंट्रोडक्शन लिखिए 2 पेज का उस सूत्र पे। जैसे हिंदी में तमिल तेलुगु मलयालम, वो तीनों सारी सक्षम भाषाएं हैं, कन्नड़ आपके ऊपर निर्भर करेगा, मराठी गुजराती बांग्ला असमीस, आप अगर इन 7 में डाल देते हैं तो आप इमेजिन करिए कितना रेंज बढ़ जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय से पहले राष्ट्रीय तो हो ही जाएंगे, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनेगा इससे। तो स्क्रिप्ट वेरिएंट्स ये। अगला स्पोकन हिंदी पे काम करवाइए, प्राकृत हिंदी पर। मैं बताना इसलिए नहीं चाहता कि आप कहेंगे निकला क्या उसमें से। 1968 में मैंने 2 साल मोटरसाइकिल पे ब्रज घूमा, पूरा मोटरसाइकिल, और जिन प्रोफेसर साहब अमेरिकन प्रोफेसर साहब थे साउथवर्थ, बहुत बड़ा नाम है पेंसिल्वेनिया में, थे वो हिंदी स्पोकन हिंदी पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, कि आप हिंदी का डेटा इकट्ठा कर दीजिए ब्रज के इलाके का। तो मैं 2 साल घूमा गांव-गांव। उसका एक असर तो ये हुआ, मैं भी पिंक वैरायटी का लेफ्टिस्ट हुआ करता था, पिंक वैरायटी नॉट मरून। तो एक तो मेरी वो लेफ्टिज्म निकल गई उससे, जब मैंने अपने देश के आम लोगों को देखा, गाँव के लोगों को देखा, उनकी संस्कृति को देखा, उनका आतिथ्य देखा, रंग ढंग देखे, हाँ? तो मुझे ये देश समझ में आना शुरू हुआ पहली बार। उसके बाद आज तक एक असर यह हुआ कि मुझे JNU नहीं हुआ, JNU होता है जैसे बीमारी होती है ना, तो मुझे JNU नहीं हुआ। कहीं लेक्चर देने जाता हूँ तो जब वो कहते हो सारे बड़ा उनको रहती है कि JNU के प्रोफेसर है, ठीक तरह से बात भी करेंगे कि नहीं, तो वो देखते हैं कि आधी बाजू की शर्ट पहनी, आज मैंने वैसे थोड़ी इज्जत रखी है नहीं तो मैं कभी नहीं पहनता, आधी बाजू की शर्ट पहनी है और जुराब नहीं पहनी हुई, देसी जूती पहनी हुई है,
और अंग्रेजी के बीच बीच में हिंदी वगैरह हिंदी पंजाबी बोलते रहते हैं, तो ये लोकेशन का फर्क पड़ा कि मैं क्या हूं असल में उससे। तो आपको स्पोकन हिंदी पे रिसर्च करना, इसमें क्या होता है, आपको इंटेलिजेंट लोग, उनको रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, आजकल तो बड़े अच्छे आ गए, मेरे जमाने में छोटे टेप रिकॉर्डर थे जो मैं एक थैले में रखता था, उसकी लीड अंदर से कुर्ते के अंदर से यहाँ रख लेता था ताकि पता ना चले, पर मेरे में एक डिसऑनेस्टी के अगेंस्ट हमेशा था, तो मैं बता देता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरा जो आप बताएंगे वो रिकॉर्ड होगा। प्लस जो कैजुअल बात कर रहे हैं, जैसे शाम को गांव में बैठते थे तो वो बोलते थे कि भैया जरा कृष्ण की माखन चोरी की लीला प्रकट कर दे, तो फिर वो माखन चोरी की लीला प्रकट करते थे। उस वक्त तो रिकॉर्डिंग का कोई मतलब, पर मैं उसको भी रिकॉर्ड कर लेता था, वो मेरे पास एक वेल्थ थी। मूर्खता ये थी कि सारी ऑडियो टेप्स मैंने प्रोफेसर साहब को दे दी। एक स्टेज होती है रिकॉर्डिंग की, दूसरी होती है उसको ट्रांसक्राइब करना, उसको आपके विद्यार्थी ट्रांसक्राइब करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे, उसमें थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग उनको देनी पड़ेगी फोनेटिक्स में, कि जहां आवाज ऊंची होती है या पिच ऊंची होती है या पिच नीचे जाती है तो आपको इस तरह इंडिकेट करना है कि ये बोलते हुए उनकी उदात्त हो गई या अनुदात्त हो गई, ये जरूरी है। वो जो मटेरियल बनता है आपका, उसके आधार पे फिर आप जिसको बोलियां कहते हैं उसका आप आधार अध्ययन करवा सकते हैं। ये काम कहीं नहीं होता, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, कठिन है, पर अगर कठिन नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो, लोग कर लेंगे। इतनी सैलरी लेके, इतना बड़े अहदा लेके, नाम लेके कपिल कपूर क्यों करता है, छोड़ो, मेरे से तो ज्यादा समझ लोगों को है, वो कर लेंगे। तो ये एक काम, और अभी खत्म नहीं हुआ सर, और बोलो। ऐसा होता है कुछ भी बीज जब लगाता है ना हमारा किसान भाई, थैले में होते हैं तो ऐसे फेंकता है ना, उसमें से दो चार इधर उधर लग जाते हैं, बाकी तो नहीं लगते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही काफी। उसके बाद है जी के जो दुनिया में हिंदी भाषाएं हैं, जैसे जो गिरमिटिए गए फिजी वगैरह, वो हिंदी बोलते हैं, उनकी हिंदी क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि सर आप तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हो, थोड़ी विशेषता बताइए फिजी की हिंदी की, है कोई आपके पास डेटा? नहीं है। ट्रिनिडाड में बोलते हैं, ट्रिनिडाड में रामायण वर्जन्स हैं, महाभारत के वर्जन्स हैं, परफॉर्मेंस टेक्स्ट हैं, बड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस टेक्स्ट, वो सारा हिंदी है, वो नहीं है। मॉरिशियस में इंटरनेशनल एक्सचेंज तो बहुत होता है, क्योंकि उसमें फायदा होता है, एक तो टिकट एयर टिकट होती है, अच्छे होटल में ठहरना होता है, थोड़ा रोब भी पड़ता है, पर काम होश नहीं होता। किसी ने भी मॉरिशियस की हिंदी पे ऊपर किताब नहीं लिखी, लिखी किसी ने? नहीं लिखी ना, बताइए, आपने देखी हो तो हो सकता है, मुझे ही नहीं पता, नहीं होता। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषाएं हैं, वो तो आप नहीं अध्ययन करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है जी। और बताऊं आगे के फोक हिंदी लिटरेचर, फोक हिंदी लिटरेचर, हमारी परंपरा अभी भी मौखिक है, और गांव में हर आदमी कवि होता है, इस देश में कवित लिखता है, कवित है कि नहीं सर, क्यों सर लिखते हैं, पर उसका कोई, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मौखिक परंपरा सीमित होती जा रही है, हमारा मौखिक साहित्य जो है वो खत्म होता जा रहा है, हमें कुछ नहीं जाना,
नॉर्थ ईस्ट में इतनी भाषाएं हैं, इतनी जनजातियां हैं और उनका इतना रिच साहित्य है कि कोई हिसाब नहीं। हमारा देश का सारा साहित्य सारी भाषाओं का, और हमारा जब आप साहित्य कहते हैं तो आप सिर्फ लिखित साहित्य की बात मत करिए, आप जो स्पोकन लिटरेचर मौखिक उसको भी गिनिए। अगर आपका शास्त्र और व्याकरण सिर्फ लिखित भाषा का है तो वो अधूरा है, अधूरे से भी कम है। 28 भाषाएं हैं हिंदुस्तान में जिनकी स्क्रिप्ट है, 28। और भाषाएं कितनी है, इवन आपके भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंसस में आई है 1576, 28 की स्क्रिप्ट है, तो बाकी का साहित्य नहीं है, है कुछ रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं है। और हिंदी में भी अब जितने ये जो आख्यान और वो जो वीर रस के राजस्थान में, और बौल गायक हैं बंगाल में, और ये सारे जो हैं इनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई है नहीं। ये मैं मानता हूँ कि उनको जिंदा रखने के लिए उसको सिर्फ रिकॉर्ड कर लेना नहीं है तरीका। रिकॉर्ड करने से वो धीरे धीरे मौखिक से लिखित होते जाते हैं, वो अलग है उनको किस तरह वैसे ही रखना है, परंतु साथ में उसको रिकॉर्ड भी करना चाहिए। आजकल तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो आपको कोई सुनाएगा आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप यहाँ एक केंद्र बनाइए फोक हिंदी का, हिंदी लिटरेचर का, और उसमें आप इस चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे कि ये भोजपुरी है कि अवधपुरी है, कि ये मैथिली है कि क्या है, ये हो गया ये। और आखिर में हिंदी पढ़ाने का भाषा शास्त्र, हिंदी पढ़ाने का, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी का बड़ा एक संजीवनी समझी जाती है टेक्नोलॉजी, कि कुछ नहीं आता टीचर को, कुछ नहीं आता स्टूडेंट को, कंप्यूटर लगा दो सब ठीक हो जाएगा, है ना? कुछ नहीं होता टेक्नोलॉजी से, कुछ नहीं होता। अभी भी एक अच्छा टीचर चौक के साथ, उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी कोई नहीं है, उससे बढ़िया। वो बड़ा समर्पित चीज है, जैसे हमारे टीचर हुआ करते थे, हम भी उनके नज़दीक नहीं। हमें कई बार आप बैठे बैठे, क्योंकि ये उम्र होती है ना उधार निपटाने की, तो उसमें हमें किसी ने सुनाया था कि आपके बड़े होने में किस किस का हाथ है ये आप नहीं जानते, आपको अपने माँ बाप का ही ध्यान रहता है। और हो सकता है बचपन में आप सड़क पार कर रहे हो तो आपने कोई गाड़ी ना देखी हो, तो किसी ने ऐसे करके आपको अलग कर दिया हो, वो भी है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ जब श्राद्ध में पिंड करते हैं तो एक अननोन व्यक्ति के लिए करते हैं जो हम जानते नहीं हैं, थैंक्स गिविंग। तो अब हमें इस उम्र में अपने स्कूल के टीचर याद आते हैं जिन्होंने हमें कई कुछ सिखाया, उस समय पर उस जैसा कोई नहीं। दूसरी बात, आजकल भाषा शिक्षण में पिछले 20 सालों से हमने अंधविश्वास के कारण जो जो उन्होंने हमें पढ़ाया अमेरिका और इंग्लैंड में तरीका भाषा पढ़ाने का, हम मानते गए। जो जो साधन उन्होंने बताया वो लेते गए। पहले बड़े बड़े स्कूल आते थे टेप के, फिर वो छोटे हो गए, उसके बाद ऑडियो कैसेट आ गए, उसके बाद कंप्यूटर आ गए 286 बड़े बड़े, फिर कंप्यूटर छोटे हो गए, फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी। पहले लैंग्वेज लेबोरेटरी स्कूल्स की थी, फिर वो डिजिटलाइज हो गई, सब बनाते जाते हैं, इस्तेमाल होते नहीं, तो जंक यार्ड बन गए। साइंसेज में भी सर अच्छे इंस्टीट्यूशन जो अनयूज्ड इक्विपमेंट या अंडर यूज्ड इक्विपमेंट का जंक यार्ड बना हुआ, उनका तो वो इकोनॉमिक है, वो तो पैसा बनाते हैं इससे। अब
अपना तरीका बेचने के लिए वो हमको एक नया तरीका भाषा पढ़ाने का समझाते हैं, फंक्शनल इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कैसे, जब फंक्शनल थी तो कम्युनिकेट नहीं करती थी, है? और नया नया और किताब और ढंग, सवाल पूछने का ढंग और होगा, सीखने का ढंग और होगा, अभ्यास होगा, है? और उसके लिए ये हमने एक टीचर बुक बनाई, एक स्टूडेंट बुक बनाई, और ये साथ में सीडी, और पूरा पैकेज जो है 1000 रुपये का, और हम 10 खरीद के लाइब्रेरी में रख देते हैं। और जब तक हम उसका इस्तेमाल सीखते हैं, उनकी थ्योरी भी बदल जाती है और टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है, है कि नहीं? इनबिल्ट ऑब्सोलेसेंस, इनबिल्ट ऑब्सोलेसेंस इज ए कमर्शियल टेक्निक ऑफ द वेस्ट। मेरी बात माने, और मैं बड़ा सक्सेसफुल लैंग्वेज टीचर रहा हूं सर, सिर्फ लिटरेचर का ही नहीं, बहुत सक्सेसफुल। शुरू शुरू में जेएनयू में हमने 2 साल, उस वक्त वियतनाम की लड़ाई चल रही थी अमेरिका के साथ, तो उन्होंने 15 प्रतिभाशाली छात्र भेजे थे अंग्रेजी सीखने के लिए, उनको ABC भी नहीं आती थी। हमने 2 साल में उनको इतनी अंग्रेजी सिखाई कि उनमें से 6 लोगों ने लंदन यूनिवर्सिटी जाके MA इंग्लिश किया, और 15 के 15 एम्बेसडर बने वियतनाम के, क्योंकि वो हमारी कल्चर के हैं, आज तक अपने टीचर को याद रखते हैं, हर साल उनका मैसेज आता है, और जब निकलते हैं देश में से तो घर में मिलने आते हैं। ये कल्चर का फर्क। तो अब मेरी बात अगर आप सुने, माने नहीं सुने, सबसे सूक्ष्म और सबसे अच्छा तरीका भाषा सिखाने का व्याकरण है, ग्रामर। ग्रामर से बढ़िया कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब आप ग्रामर के थ्रू भाषा पढ़ाते हैं तो आप उनको सोचने का के लिए मजबूर करते हैं कि मैं इसको इस तरह क्यों बना रहा हूं, इसका रूप क्यों बदल रहा हूं। आफ्टर ऑल, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये 4 चीजें, ये 4 चीजों से ही तो हमारे विचार, या जो 6 कारक हैं, किसने किया, किसके लिए किया, कैसे किया, कहां पर किया, यही तो हमारे विचार होते हैं। तो जिसको हम ग्रामर की कोटि कहते हैं, वो तो हमारे सोचने की कोटियां हैं। तो ग्रामर से बढ़िया कुछ नहीं। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि डेवलपिंग मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी टू ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, न्यू कॉम्पिटेंस लिंग्विस्टिक, तो मैंने कहा भाषा शास्त्रीय, मैं ये मानता हूं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो शुरू होना चाहिए, ये भी एक वो है जो मैं कईयों को कह चुका हूं, कोई नहीं सुनता, कि आप अगर पाणिनी के व्याकरण की कोटियों को आधार बना के सारी भारतीय भाषाओं के व्याकरण का प्रारूप बना सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं सर, पाणिनी व्याकरण आधारित, हैं? वो क्या कहते हैं भाई जी, वो जो वो जो फर्स्ट होता है, वो व्याकरण, आर्केटाइपल व्याकरण, जो सारी भारतीय भाषाओं के लिए सक्षम हो। याद रखिए, ये तो चॉम्स्की बाबा भी कह गए कि कोई भी भाषा पूरे पोटेंशियल को यूज नहीं करती। ह्यूमन साउंड्स कितने हैं, पर एक भाषा 53 को यूज करेगी, दूसरी 35 को यूज करेगी। इसी प्रकार कोटियों में होता है, वो पोटेंशियल होते हैं, उनमें से हर भाषा चुनती है, पर आप एक प्रारूप बना सकते। एक प्रोजेक्ट बड़ा मेजर, आप अपना हिंदी टीचिंग, देखिए वो बहुत हो गया, हिंदी का संस्कृत से कोई रिश्ता नहीं, संस्कृत का हिंदी से कोई रिश्ता नहीं,
हम तो स्वतंत्र हैं, जबकि मानसिक रूप से हिंदुस्तान ही स्वतंत्र नहीं है, तो हम कहां से स्वतंत्र हो गए? हम तो अंधविश्वासी हैं। तो इसलिए ये आठवां है। मैं सोचता हूं कि हम अपने नाम को जस्टिफाई करेंगे और करना चाहिए आने वाले समय में, कुछ ऐसे हम काम करें जो कि और कहीं नहीं होते। धन्यवाद।